महेंद्रगढ़ जिले की सतनाली अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने अनाज मंडी पहुंचकर खरीद शुरू करवाई, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि मंडी में किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि खरीद कार्य वेयर हाउस ने की ओर से ही किया जाएगा। मेरे मन में एक खुशी का भाव है। 2014 में मेरे पास ये महकमा था, फूड एंड सप्लाई, और हमने अपने सतनाली में अनाज मंडी की शुरुआत की थी। पिछले 10 सालों में सरसों, बाजरा, गेहूं जिले में सबसे अधिक खरीद जो हुई वो सतनाली मंडी में, इस बात का मुझे संतोष है। और आज हमने गेहूं, सरसों की खरीद, यहाँ सरसों की ढेर लगे हुए आप देख रहे हैं, पूरे गांव के किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सारा कार्य अध्यक्ष रामविलास जी का है। तो आज ये बात बहुत खुशी का अवसर है, और आज धुआंधार ये परचेज अधिकारियों की तरफ से किसानों को आश्वासन है कि इनको कोई असुविधा नहीं होगी। सरसों 8 रुपये की जाएगी आज से, पहले नेफेड के द्वारा की जा रही थी, और गेहूं की परचेज भी नेफेड के द्वारा की जाएगी। किसानों के लिए शेड्यूल बनाने का कारण ये था कि लिस्टिंग धीरे चल रही थी मंडी में, अभी भी आप देख सकते हो कि कितना माल है, तो अगर शेड्यूल नहीं करेंगे तो फिर सब आ जाएंगे तो माल डलवाने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। जैसे ये जगह खाली हो जाएगी तो फिर हम सिचुएशन के हिसाब से ओपन भी कर सकते हैं।